शाहीन, आज मैं आपसे चने की दाल की खिचड़ी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने 500 ग्राम चावल लिए हैं, उसको मैंने भिगो दिया आधे घंटे के लिए। दाल लिए मैंने 200 ग्राम, उसको उबाल लिया मैंने। बाकी अज्जा जो चाहिए, नमक, सुरख मिर्च का पाउडर, जीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर है एक मीडियम साइज़ उससे बारीक काट लिए, कुटी हुई लाल मिर्च है, अदरक को जूलियन कट में काट लिए, हरी मिर्चियाँ 3-4 अदद उसको बारीक काट लिए। बाकी साबुत गर्म मसाला जाते हैं, काली मिर्च साबुत है 5 से 6 अदद है, 2 हरी इलायची है, 5 से 6 अदद लौंग है, 2 बड़ी इलायची है और एक बड़ा दालचीनी का टुकड़ा है और साथ प्याज है एक बड़े साइज़ को, उसको बारीक काट लिए। चलिए अपनी रेसिपी को हम दाल की खिचड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑयल ले लिया है, 1/4 कप ऑयल लिया है, वो गर्म हो चुका है। अब इसमें प्याज शामिल करेंगे, प्याज को ब्राउन करेंगे। जैसे थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा फिर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है, अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, तो साथ ही प्याजों को फ्राई कर लेंगे। जैसे फ्राई हो जाएगा फिर पानी शामिल करेंगे थोड़ा सा। प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा ब्राउन हो चुका है, अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और कवर कर देंगे। पानी डाल के 1 मिनट के लिए कवर कर दिया था, अब इसमें जीरा शामिल करेंगे। 2 टीस्पून भर के जीरा शामिल करेंगे। साबुत गर्म मसाला शामिल करेंगे जो मैंने आपको बताया था। लाल मिर्च शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के। अगर आपको कम लगे तो ज़्यादा शामिल कर दें, कम लग जाएगा। हरी मिर्ची शामिल करेंगे, 1/2 अभी शामिल कर देंगे। अदरक डालेंगे जो मैंने लंबा लंबा काट लिया था, 1/2 मैं अभी शामिल कर रही हूँ। टमाटर शामिल करेंगे 1/2, बाकी दम पे डालूँगी मैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, साथ ही हम दाल शामिल कर देंगे। दाल मैंने 200 ग्राम ली थी, उसको बॉईल कर लिया, उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, तेज़ आंच पे भुनेंगे। दाल को हमने 1 मिनट के लिए तेज़ आंच पे भून लिया है, अब इसमें पानी शामिल करेंगे। 2 ग्लास मैंने पानी लिया है, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे ही उबाल आएगा एक चावल शामिल करेंगे हम। पानी में उबाल आ चुका, अब इसमें चावल शामिल करेंगे। चावल मैंने 500 ग्राम चावल लिए थे, उसको आधे घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब इसको कवर कर देंगे, जैसे ही पानी खुशक हो जाएगा थोड़ा सा 1/2 कुक कर लेंगे, तो फिर इसमें टमाटर, अदरक जो मैंने लंबा काट लिया था वो शामिल करेंगे, हरी मिर्चें शामिल करेंगे। पानी हमारा खुशक हो चुका है चावलों का, आखिर में टमाटर शामिल करेंगे जो बच गए थे, हरी मिर्चें शामिल करेंगे, अदरक शामिल करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी हमारा खुशक हो चुका है, अब दम लगा देंगे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। 10 मिनट के लिए हमने लो फ्लेम पे कवर कर दिया था खिचड़ी को। खिचड़ी हमारी रेडी हो चुकी है, ये देखें चावल अच्छी तरह से गल चुके हैं।
अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार चने की दाल की खिचड़ी तैयार है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।